हाय एवरीवन, सो लेट्स लुक कि हम एशियन पेंट्स पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड क्या हमारे एनालिसिस होना चाहिए चार्ट्स को लेके। लेकिन इससे पहले लेट्स लुक एट द फंडामेंटल्स एंड लास्ट वन मंथ में एशियन पेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो ये 5% अवे है 52 वीक्स हाई से एंड मिड रेंज परफॉर्मर है। आउट परफॉर्मर, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा और बहुत बेकार परफॉर्म भी नहीं कर रहा। लास्ट वन मंथ में एशियन अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी 1%, निफ्टी ने 1% अप मूव दिया लास्ट वन मंथ में, वेयर एज एशियन पेंट्स ने 1% नीचे की मूव दी है। सो ये लास्ट वन मंथ में अंडर परफॉर्मर रहा है, जो हमें ये बात समझनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू FNO डेटा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेटा, इसके अंदर शॉर्ट साइड बिल्डअप हो रहा है। सो ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सेल साइड की एंट्री ही ढूंढेंगे एंड अभी बाय साइड की एंट्री नहीं ढूंढेंगे। लेट्स एनालाइज द चार्ट्स एंड देन सी कि बाय साइड की अगर एंट्री होगी तो कहाँ से होगी, सेल साइड की एंट्री होगी तो कहाँ से होगी। सो लेट्स एनालाइज एशियन पेंट्स की टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं। सो इफ़ यू कैन सी, ये बुलिश फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन है, बट क्योंकि लास्ट वन मंथ में एशियन पेंट्स अंडर परफॉर्मर रहा है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, सो हम कॉशियस रहेंगे बुलिश या कॉल साइड ट्रेड्स के लिए। जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 33.20। सो एशियन पेंट्स 33.20 पर टच करके इट कैन रिवर्स बैक। सो अगर आपके कोई भी सेल साइड के ट्रेड्स हैं, उनका टारगेट 33.20 या 33.50 ही रहेगा। उसके नीचे एशियन पेंट्स अभी नहीं जाएगा जब तक बहुत ज़्यादा निफ्टी में कोई सेल साइड नहीं आता या क्रैश नहीं करती, तब तक एशियन पेंट्स नीचे नहीं जाएगा। 33.50 या 33.20 के नीचे नहीं जाएगा। ऊपर की साइड आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ्लैग फॉर्मेशन आप अपने भी चार्ट्स पे ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी साइड पर अगर अपर साइड पर ब्रेकआउट मिलता है तो वी नीड टू वेट फॉर इट्स रीटेस्ट एंड देन एशियन पेंट्स विल टच न्यू हाइट्स। एशियन पेंट्स 3500, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है अराउंड 3500। एशियन पेंट्स 3500 के ऊपर बहुत बुलिश है। सो अगर आपको कोई भी बाय साइड के ट्रेड्स लेने हैं वो 3500 के आप ऊपर ही लेंगे। एंड आप ये फ्लैग फॉर्मेशन अपने चार्ट्स पे भी बना लीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। ये मेजर लेवल है 33.20 का। आज के दिन में एशियन पेंट्स ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल फॉर्म करी है, सो वी कैन सस्पेक्ट कि ये 33.50 तक टच करेगा। अगर हम इसका 15 मिनट्स का चार्ट देखें, सो 15 मिनट्स के चार्ट में तो 15 मिनट्स के चार्ट में 3400 पे इसने बार बार रिवर्सल लिया है, विच ऑल्सो एक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एशियन पेंट्स। अगर 3400 का लेवल ये ब्रीच करता है देन यू कैन टेक अ शॉर्ट साइड पोजिशन फॉर 33.50। अगर वो 3500 का लेवल ब्रीच करता है देन यू कैन टेक अ लॉन्ग साइड पोजिशन। कैश में भी ले सकते हैं, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर ये 3500 एशियन पेंट्स ब्रीच करता है तो। लेट मी नो अगर आपको एशियन पेंट्स में कुछ क्लैरिटी मिली है हाउ टू ट्रेड इन नेक्स्ट वीक, और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।